नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं और आपको यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन चीज समझाने वाले हैं, क्लास 11th आर्ट्स और कॉमर्स दोनों विद्यार्थियों के लिए। और यहाँ पर मीडियम कोई मैटर नहीं करता, इंग्लिश मीडियम का होगा तो भी ये वीडियो देख सकता है, हिंदी मीडियम का होगा तो भी ये वीडियो देख सकता है, और गुजराती मीडियम का होगा तो भी ये वीडियो को अच्छी तरीके से देख सकता है और समझ सकता है। मैं गारंटी देता हूं बेटा कि सारे बच्चों को मैं इतना इजी वे में समझाऊंगा और गारंटेड आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो बच्चों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के दिन हम आपको समझाने वाले हैं कि क्लास 11th BA, जिसे इंग्लिश में कहते हैं OC, ठीक है, वाणिज्य व्यवस्था संचालन, ठीक है बच्चों। और यहां पर मैं आपको समझाने वाला हूं ब्लूप्रिंट के बारे में, जो एनुअल एग्जाम में पूछा जाएगा। यानी एनुअल एग्जाम का मतलब होता है वार्षिक परीक्षा। वार्षिक परीक्षा का मतलब होता है बड़ा जो लास्ट जो फाइनल एग्जाम होता है ना बड़ा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और बड़ा, अभी तक तुमने फर्स्ट एग्जाम एंड सेकेंड एग्जाम 50-50 मार्क्स का आपने एग्जाम दिया है, लेकिन जो आपकी एनुअल एग्जाम होने वाली है वो टोटल कितने नंबर का होने वाली है? वो होने वाली है आपकी 80 नंबर का होने वाली है, 80 मार्क्स का होने वाला है। क्लियर बच्चों? और मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछेगा, कौन के चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ब्लूप्रिंट 2023। बच्चों, सबसे पहले यहां पर जो बच्चे पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, और बड़ा अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है बड़ा, क्योंकि आप लोगों की एक लाइक से मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहता हूँ बड़ा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले बड़ा यहाँ पर ब्लूप्रिंट की बात करूं मैं तो सेक्शन ए में बड़ा आपको MCQ देखने को मिलेगा और एक क्वेश्चन एक मार्क्स का होगा। क्लियर? एक क्वेश्चन एक मार्क्स का होगा। और कितना क्वेश्चन आएगा? सर 10 क्वेश्चन आएगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 10 मार्क्स। क्लियर? और सर कौन कौन से चैप्टर से MCQ आएगा और कौन से चैप्टर से MCQ नहीं आएगा उसे ध्यान से देखिए। हमें बेटा यहाँ पर गधे की तरह मजदूरी नहीं करना है, हमें यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना है। क्या? स्मार्ट वर्क करना है। अगर बेटा BA में अच्छे मार्क्स लाना है तो मेरा जो प्लान बता रहा हूँ, ये प्लान अगर आप तुमने फॉलो कर लिया, गारंटी देता हूँ बेटा OC में सबसे अच्छे मार्क्स आएंगे आपकी BA में, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। MCQ कौन कौन से चैप्टर से आने वाला है? सर बेटा यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 में से आएगा, चैप्टर नंबर 2 में से आएगा, चैप्टर नंबर 3 में से आएगा, चैप्टर नंबर 4 में से आएगा, चैप्टर नंबर 5 में से आएगा, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 11 में से बड़ा आपके 2 MCQ देखने को मिलेगा। फिर से चैप्टर जो 11 है उसमें से 2 MCQ आएगा। याद रखना बच्चों, जिन चीजों पे मैंने स्टार बनाया है ना, समझ जाना उस चैप्टर में से दो दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब यहाँ पर MCQ के 2 क्वेश्चन आएंगे। क्लियर बच्चों? आई होप आपको सेक्शन एक क्लियर हो गया है, ठीक है। आपको सिर्फ यही चैप्टर में से MCQ पढ़ना है, बाकी किसी चैप्टर में से MCQ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ओनली टेक्स्ट बुक के MCQ अच्छी तरीके से रीड कर लोगे ना, आपका काम हो जाएगा। और जिन लोगों के पास बड़ा अपेक्षित हो या नवनीत हो या हिंदी मीडियम के लिए डाइजेस्ट हो बड़ा, उसमें से MCQ कर लोगे तो भी इनफ है बच्चों, उसके बाहर का MCQ नहीं आएगा, गारंटेड फिक्स। क्लियर बच्चों? चलिए अब बात करते हैं सेक्शन बी के लिए कौन कौन से चैप्टर है और कितने मार्क्स का आता है। तो बच्चों सेक्शन बी में एक क्वेश्चन एक मार्क्स का होता है, ऐसे मिला के आपको 10 क्वेश्चन आएंगे। क्लियर हो गया? और कितने हो जाएंगे? 10 मार्क्स हो जाएंगे। क्लियर? सर कौन कौन से चैप्टर में से आएगा? चलिए देख दूं, चैप्टर नंबर 1 में से एक क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 2 में से एक क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 3 में से बड़ा आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, मैंने स्टार बनाया, तो मतलब इसमें से कितने क्वेश्चन आने वाले? 2 क्वेश्चन। मतलब चैप्टर नंबर 3 आपके लिए क्या क्या होगा? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया? चैप्टर नंबर 4 में से आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में से, चैप्टर नंबर 7 में से, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 में से आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब आपको बड़ा वही चैप्टर रेडी करना है जो चैप्टर मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं सेक्शन सी के लिए। तो सेक्शन सी के लिए बड़ा यहां पर आपके
एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? दो नंबर का होगा। एक क्वेश्चन दो नंबर का होगा, टोटल मिला के कितने क्वेश्चन होंगे? आठ क्वेश्चन होंगे। ऐसे मिला के कितने? 16 मार्क्स होगा सेक्शन सी में। क्लियर हो गया? चलिए देख लेते हैं कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों। यहाँ पर मैंने लिखा 1-1। बच्चों ये 1-1 का मतलब क्या हुआ? मतलब चैप्टर नंबर 1 में से दो क्वेश्चन आएगा, परंतु यहाँ पर 1-1 का मतलब होता है एक के और में एक आएगा। ठीक है, मतलब चैप्टर नंबर 1 में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, 100% गारंटेड। क्लियर बच्चों? उसके बाद चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 में से बच्चों दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कितने? दो क्वेश्चन, और यानी कि एक के और में एक, मतलब इसके अंदर भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। क्लियर? आते हैं फिर चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 में से आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो चैप्टर मैं बता रहा हूं उसी चैप्टर में से आपको दो दो मार्क्स के क्वेश्चन आंसर रेडी करना है। क्लियर बच्चों? चलिए अब बात करते हैं सेक्शन डी। तो सेक्शन डी बड़ा, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? सर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। ऐसे मिला के टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? टोटल मिला के 8 क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? कौन कौन सा चैप्टर रेडी करना चाहिए इसके लिए? तो इसके लिए रेडी करना है आपको बड़ा चैप्टर नंबर 1 रेडी करना है, चैप्टर नंबर 2 रेडी करना है, चैप्टर नंबर 3 रेडी करना है एंड चैप्टर नंबर 4 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि बड़ा यहां पर स्टार बनाया, मतलब इसमें से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मतलब चैप्टर नंबर 4 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से 3 नंबर के लिए आपको दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, यानी कि सेक्शन डी मतलब 3-3 जो मार्क्स वाले क्वेश्चन है उन्हें आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगी। क्लियर? फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 9, इसमें भी आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा बच्चों, इसको भी आपको अच्छी तरीके से रेडी करना रहेगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 11। क्लियर बच्चों? चलिए अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल सेक्शन ई, जो बच्चों का फेवरेट होता है। ठीक है, कम चैप्टर पढ़ो और अच्छी तरीके से तैयारी रेडी हो जाएगा और आपके 20 मार्क्स एकदम पक्के हो जाएंगे। क्लियर? चलिए सेक्शन ई बड़ा, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? सर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। कितने मार्क्स का? 5 नंबर। 1, 2, 3, 4, 5 कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का होने वाला है। ऐसे मिला के टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? सर 4 क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 5 मार्क्स का होगा। ऐसे मिला के कितने मार्क्स होंगे? 20 मार्क्स होंगे। क्लियर बच्चों? चलिए अब बात करते हैं सर कौन कौन सा चैप्टर रेडी करना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा चैप्टर नंबर 5 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कितने? दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है, तो यानी चैप्टर नंबर 5 आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 के बाद आपको चैप्टर नंबर 8 ही रेडी करना है। उसमें से कितने क्वेश्चन देखने को मिलेगा? दो क्वेश्चन। उसके बाद चैप्टर नंबर 10। अब बच्चों इसमें बेनिफिट आपका बताऊं बड़ा, यहाँ पर आपको 4 ही क्वेश्चन आने वाला है। अगर मैं आपको गारंटी दूं बड़ा, अगर मैं कहूं कि भाई सिर्फ चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8 अगर अच्छे तरीके से कर लो तो 4 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाएगा। तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा बड़ा कि चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8 अगर अच्छे तरीके से कर लेते हो, चैप्टर 6 और चैप्टर 10 नहीं करोगे ना तो भी आपको 4 क्वेश्चन आसानी से मिल जाएगा। राइट? मजा आ गया बच्चों? आई होप आपको ये ब्लू प्रिंट अच्छी तरीके से समझ में आ गया है बड़ा। वीडियो समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं बड़ा कि हर एक चैप्टर का वेटेज कितने कितने मार्क्स का है। तो वेटेज देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि सर हमें कौन सा चैप्टर कितना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। चलिए उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर मैंने वेटेज लिख दिया, गुणभार लिख दिया है, समझो बड़ा कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। तो बच्चों यहाँ पर चैप्टर नंबर जो 1 है वो 7 नंबर का है, चैप्टर नंबर जो 2 है बड़ा वो 8 नंबर का है, और चैप्टर नंबर जो 3 है बड़ा वो कितने नंबर का है? 8 नंबर का है, और चैप्टर नंबर 4 आपका 6 मार्क्स का है, चैप्टर नंबर 5 आपका 7 मार्क्स का है, और चैप्टर नंबर 6 आपका 8 मार्क्स का है, और चैप्टर नंबर 7 आपका 7 मार्क्स का है, और चैप्टर 8 कितना है? 8 मार्क्स का। चैप्टर 9 6 मार्क्स का। चैप्टर 10 यहाँ पर 8 मार्क्स का, और चैप्टर 11 जो है बड़ा वो 6 मार्क्स का। मतलब ऐसे मिलाकर के टोटल कितने मार्क्स बनते बड़ा? 80 नंबर बनेंगे आपके।
क्लियर हो गए बच्चों? इस तरीके से आपको मेहनत करना पड़ा और 100% आपके रिजल्ट लाना है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चों। वीडियो समझ में आ रही है, वीडियो को अच्छी तरीके से अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना पड़ा। अगर तुम लोग जितना ज्यादा कमेंट करोगे तो बड़ा, अगर तुम्हारी कमेंट मुझे लगेगा बड़ा कि बनाने जैसा वीडियो है तो बड़ा अकाउंट स्टेट इको और बाकी सब्जेक्ट का भी मैं वीडियो यहाँ पर जरूर डालूंगा। बट फर्क इतना बड़ा, वीडियो को लाइक करो और साथ में कमेंट करो किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, उस टॉपिक पे वीडियो आपका बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।